नारायण नारायण, आज हम पढ़ रहे हैं मानस मंथन पंचम प्रवचन। भगवान श्री राम मनुष्य जीवन की शाश्वत समस्या का मानवीय पद्धति से निराकरण करने विश्व में प्रकट होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान श्री राम ने अपना ऐश्वर्य प्रकट करने के लिए अवतार नहीं लिया। यदि ऐश्वर्य प्रकट करने हेतु वे अवतार लेते तो रावण के वध के लिए या रामराज्य की स्थापना के लिए उन्हें क्रमिक प्रयास न करना पड़ता। तब तो ईश्वर अपने संकल्प मात्र से ही क्षण भर में यह सारे कार्य संपन्न कर लेता। रावण के वध के लिए उसे किसी सेना के एकत्रीकरण की आवश्यकता नहीं थी, सेतु का निर्माण करने की अपेक्षा नहीं थी। तब तो ईश्वर सत्य संकल्प होने के नाते रावण को यूं ही विनष्ट कर देता। तब तो वह बाधा भी न होती जो श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करते समय बढ़ी। तब स्वभावतः श्री राघवेंद्र दिव्य सिंहासन पर बैठकर समाज में ईश्वरीय राज्य की स्थापना करते। पर जब ईश्वर ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया तो उसने ईश्वरीय पद्धति का आश्रय न लेकर मानवीय पद्धति के माध्यम से अपने संकल्प पूरे किए। और मानवीय पद्धति से पूरे करने का तात्पर्य यह है कि वे प्रत्येक व्यक्ति से उन कार्यों को संपन्न कराना चाहते थे जो उन लोगों के चरित्र द्वारा किए गए हैं। आइए इसी दृष्टि से अयोध्या कांड के कुछ अंशों पर विचार करें। आपके सामने भगवान राम के चरित्र के समग्र अंशों में से कुछ भाग लिए जाएंगे। भगवान श्री राम के चरित्र में तीन नगरों की बड़ी भूमिका है। ये तीन नगर हैं अयोध्या, जनकपुर और लंका। इसके साथ ही भगवान राम के चरित्र में तीन वनों का बड़ा गौरवपूर्ण स्थान है। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में जब निवास करते हैं तो वह प्रथम वन है। अयोध्या से यात्रा करते हुए चित्रकूट में निवास करते हैं, वह द्वितीय वन है। और बाद में रावण से संघर्ष करने की दिशा में चित्रकूट से वे दंडकारण्य जाते हैं, भगवान राम का यह तृतीय वन है। ये तीन नगर और तीन वन भगवान श्री राम के चरित्र में एक महत्वपूर्ण भाग प्रस्तुत करते हैं। इनमें नगरों की भूमिका क्या है, यह मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। भगवान श्री राम की यात्रा इन तीनों ही स्थानों में होती है तथा उनके चरित्र का विविध पक्ष इन तीनों में प्रकट होता है। अगर आप तारतम्य की दृष्टि से विचार करके देखें तो आपको इन तीनों नगरों में एक सापेक्षता दिखाई देगी। यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो लंका देहवाद का नगर है, यह दशमुख का नगर है, और अयोध्या महाराज दशरथ का नगर है। दोनों में दश शब्द तो समान है, किंतु दश के बाद जो अगला शब्द है वह अलग है। मुख का उपयोग करा जाता है भोजन के कार्य में, और रथ का प्राचीन काल में जब किसी को शीघ्रता के साथ कहीं पहुंचना होता था तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसका आश्रय लिया जाता था। रामायण में कभी कभी शब्दों के माध्यम से बड़े अनोखे संकेत दिए गए हैं। जैसे प्रारंभ में आपको दो पात्र मिलते हैं, प्रताप भानु सत्य केतु का पुत्र है और उसका विरोधी काल केतु है। वहाँ पर भी केतु शब्द दोनों में समान है तथा सत्य और काल का पार्थक्य है। यहाँ दश शब्द में साम्य है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति दश इंद्रियों वाला है, किंतु इसके पश्चात जो शब्द है वह अलग है, रथ और मुख। कुछ लोगों की मान्यता है कि मनुष्य के शरीर में जो इंद्रियां हैं, व्यक्ति उनके द्वारा अधिक से अधिक विषयों का स्वाद ले, भोगों का अनुभोग करे, यह दशमुख का दर्शन है। ध्यान रखिएगा कि यह साधारण दर्शन नहीं है। रावण का दर्शन और विचारधारा बड़ी ही शक्तिशाली है। रावण उसी के अनुकूल अपना जीवन व्यतीत करता है और उसी धारणा के अनुकूल लंका के नागरिकों का जीवन भी चलाना चाहता है। दूसरा दर्शन रथ का है। रथ का तात्पर्य है जहाँ घोड़ों का नियंत्रण है, और ऐसे नियंत्रित रथ पर बैठकर व्यक्ति लक्ष्य तक पहुँचना चाहता है। इसी प्रकार महाराज श्री दशरथ का जो दर्शन है वह भोगों का निषेध तो नहीं करता, क्योंकि इंद्रियां होंगी तो इंद्रियों के लिए विषय की भी अपेक्षा होगी, लेकिन वह विषयों को मात्र साधन मानता है। यहीं पर मूल अंतर है। जो व्यक्ति यह मानता है कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों का नियमन करते हुए जीवन को किसी लक्ष्य की पूर्ति में लगाना चाहिए, वह महाराज श्री दशरथ के दर्शन का अनुगामी है। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि लंका देहवादी नगर है, जबकि महाराज श्री दशरथ का नगर देहाधिकार नगर है। जनकपुर और भी ऊंचा है, वह विदेह का नगर है। दशमुख के नगर में तो व्यक्ति पूरी तरह देह के अधीन है, और दशरथ के नगर में इंद्रियों पर अधिकार है, पर फिर भी दशरथ के नगर में शरीर तो है, व्यक्ति शरीर वृत्ति से ऊपर उठा हुआ नहीं है। इसके विपरीत विदेह जो है वह देह से ऊपर की स्थिति है।
इसीलिए इन तीनों में एक तारतम्य है। लंका में अधिक राक्षस रहते हैं पर दो एक संत भी हैं। अयोध्या में अधिकतर संत रहते हैं पर एक दो असंत भी हैं। केवल जनकपुर ही ऐसा है जहाँ केवल संत ही संत हैं, असंत हैं ही नहीं। ठीक भी है, जहाँ विदेह वृत्ति है वहाँ असंत का क्या काम। इसके विपरीत जहाँ देह वृत्ति हो, चाहे वह देहाधिकार के रूप में हो अथवा पूरी तरह देह परतंत्र जीवन हो, वहाँ तो असत वृत्ति होगी ही। मात्रा के तारतम्य के भेद में अयोध्या में भी असंत मिल जाते हैं और लंका में तो उनका बाहुल्य है ही। भगवान श्री राम का चरित्र इन तीनों नगरों में विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होता है। उसकी समग्रता इसी में है कि गोस्वामी जी ने अपनी पद्धति में उसे उत्कृष्टता से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, ईश्वर में अनंत गुण है, पर गुण की गुणवत्ता क्या है? गुण अपने आप में न तो गुण है न अवगुण। इसकी व्याख्या रामायण में भगवान राम ने की है। उत्तरकांड में भरत ने प्रश्न किया कि संत के क्या लक्षण हैं, संत में क्या गुण होते हैं और असंत में क्या अवगुण होते हैं। भगवान राम ने इसके उत्तर में पहले तो संत के गुणों और असंत के अवगुणों के विषय में कहा, पर अंत में एक दार्शनिक वाक्य कहा कि सुनहुतात मायाकृत गुण अरुदोष अनेक, गुण यह उभय न देखही सो अविवेक। भरत, सत्य तो वह है कि गुण और दोष दो अलग वस्तुएं नहीं हैं, यह तो माया के द्वारा विभाजित सत्य सा प्रतीत होता है। सच्चा गुण यह है कि दोनों दो प्रतीत ही न हों। तो भगवान ने एक संक्षिप्त वाक्य में उसे समाप्त कर दिया, किंतु प्रभु का उसके द्वारा तात्पर्य क्या है? श्री राम जब कहते हैं कि गुण और दोष दो अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं, तो इसका यही अर्थ है कि गहराई से विचार करने पर व्यक्ति को यही सत्य प्रतीत होगा। दूसरी बात यह भी है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता है। यदि वह गुण और दोष दोनों की सत्ता स्वीकार कर ले तो किसी को दंड देने का अधिकार उसे कहाँ रहेगा? तब तो उसी से पूछा जा सकता है कि जब आपने गुण और दोष दोनों बना दिए, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य को दोष देने का आपको क्या अधिकार है? तो ईश्वर बताना चाहता है कि मैंने दो वस्तुएं नहीं बनाई, वस्तुतः मैंने एक ही वस्तु बनाई। वह कुछ लोगों के हाथ में पड़कर गुण के रूप में दिखाई देती है और कुछ लोग उसे दोष के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए ईश्वर भी अपने को इससे मुक्त कर लेता है। एक ही वस्तु के निर्माण के बाद उसके भिन्न भिन्न उपयोग के कारण कुछ लोग उसे गुण कहने लगे और कुछ उसे दोष कहने लगे। रामायण में एक दृष्टांत दिया गया है संत असंत के भेद का। वैसे भले ही कोई कहे ईश्वर ने महीने में दो पक्षों का निर्माण किया, किंतु यह कहना अधिक उचित होगा कि ईश्वर ने मास का निर्माण किया। अब इसमें दो पक्षों का जो विभाजन है वह चंद्रमा के आधार पर है अथवा चंद्रमा मन तथा चंद्रमा मन का प्रतीक है। इसको इस संदर्भ में आप देखें कि वास्तव में ईश्वर ने कोई पक्षपात किया है क्या? शुक्ल पक्ष को हम उज्ज्वल पक्ष कहते हैं और कृष्ण पक्ष को अंधकार का पक्ष, पर यह तो सत्य नहीं है। सत्य यह है कि शुक्ल पक्ष में जितना प्रकाश है उतना ही प्रकाश कृष्ण पक्ष में भी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। चंद्रमा जितना प्रकाश शुक्ल पक्ष में देता है उतना ही कृष्ण पक्ष में भी देता है। फिर एक को हम शुक्ल और दूसरे को कृष्ण क्यों कहते हैं? इसका उत्तर यह है कि आप शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आकाश की ओर दृष्टि डालिए तो आपको चंद्रमा का प्रकाश दिखाई नहीं देगा। द्वितीया को आपको एक क्षीण चंद्रमा की रेखा दिखाई पड़ी। तृतीया को देखने पर चंद्रमा कुछ और उज्ज्वल रूप में सामने आया और पूर्णिमा आते आते पूर्ण प्रकाश आकाश में दिखाई देने लगा। दूसरी ओर हम जिसको कृष्ण कहकर अंधकार का प्रतीक कहते हैं उसकी प्रतिपदा को आकाश की ओर दृष्टि डालकर देखें तो उसका चंद्रमा बिल्कुल पूर्णिमा जैसा दिखाई देगा। प्रतिपदा के बाद द्वितीया को देखें तो कुछ क्षीण, तृतीया को कुछ और भी क्षीण और अमावस्या आते आते सर्वत्र अंधकार हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, सम प्रकाश तम पाख दुहू नाम भेद विधि केन, शशि शोषक पोषक समझी जग अस अप जस दीन। प्रकाश और अंधकार की मात्रा में अंतर नहीं है,
शुक्ल पक्ष में प्रकाश बढ़ते बढ़ते पूर्णता तक जाता है और कृष्ण पक्ष में घटते घटते समाप्त हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति अपने मन को उज्ज्वल बनाते बनाते पूर्णता तक ले जाता है उसे हम संत कहते हैं, और जो अपने उपलब्ध प्रकाश को क्रमशः अपनी वासनाओं के द्वारा क्षीण करता हुआ अपने जीवन को अंधकार में परिणत कर लेता है उसको हम असंत कह देते हैं। इस प्रकार प्रभु दो वस्तुएं नहीं देते, पूंजी को घटाना और बढ़ाना व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए ईश्वर कहते हैं, विचार करके देखो, गुण और दोष दो वस्तुएं हैं कहाँ, वस्तु तो एक ही है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति किसी का सिर काट लेता है तो उसे फांसी मिलती है, दूसरा व्यक्ति युद्ध में हजारों का सिर काट लेता है तो उसे महावीर चक्र मिलता है। इसका तात्पर्य यही है कि गुण देश काल या व्यक्ति के संदर्भ में भिन्न रूप ले लेता है, जिसे हम गुण और दोष की भिन्न भिन्न परिभाषा के रूप में देखने लगते हैं। इस तरह गुण और दोष की जो सत्ता है उसमें मूलतः वस्तु तो एक ही है, लेकिन संतत्व असंतत्व किस रूप में क्रमशः परिवर्तित होता है यह संकेत विविध नगरों के माध्यम से दिया गया है। दशमुख, दशरथ और विदेह के जीवन में विदेह का जीवन सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन वस्तुतः भगवान श्री राम ही इन नगरों को समानता की स्थिति में ले आते हैं। इसके पूर्व एक नगर में विचार की, दूसरे में सत्कर्म की और तीसरे में पाप की प्रधानता थी। तीनों नगर विश्व में एक साथ रहे थे। जब तक ये त्रिविध जीवन बने रहेंगे तब तक राम राज्य नहीं होगा। वस्तुतः विदेह नगर, देह नगर और देहाधिकार नगर को वे बराबरी पर ले आए। उन तीनों नगरों के विषय में गोस्वामी जी भगवान के तीन गुण प्रकट करते हैं। वे हैं चारियु सील रूप गुण धामा, अथवा जैसा कि जनकपुर के प्रसंग में कहा गया, रूप सील बल धाम। श्री राम के रूप गुण का प्रत्यक्षीकरण होता है विदेह नगर में, शील गुण की विजय है अयोध्या में, तथा लंका में बल के दर्शन होते हैं। इसके दर्शन पर विचार करें तो देखेंगे कि ईश्वर का ज्ञान तीनों के समान है, पर वस्तुतः तारतम्य है उसके उपयोग में। यहाँ तक कि रावण भी ईश्वरीय ज्ञान से वंचित नहीं है, ईश्वर ने उसको अभी अपने ज्ञान से वंचित नहीं किया, जबकि ठीक उल्टी बात होनी चाहिए थी। रावण को भगवान का ज्ञान जितनी शीघ्रता से हुआ उतनी शीघ्रता से शायद हनुमान जी को भी नहीं हुआ होगा। हनुमान जी को तो पास में आकर देखना पड़ा। रावण ने भगवान राम को देखने के पहले ही पलंग पर लेटे लेटे ज्ञान प्राप्त कर लिया। कई लोग पलंग पर लेटे लेटे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, पर वह बड़ा खतरनाक होता है। कई लोग बुद्धि से सारी बात समझ लेते हैं, पर क्या वह समझना कहलावेगा? इस समझ लेने का कोई महत्व नहीं। जानने के बाद आप ज्ञानी बनते हैं या ज्ञान बनते हैं, मुख्य प्रश्न यह है। जानने के बाद जहाँ व्यक्ति ज्ञान बनेगा वहाँ ज्ञानी बनेगा, वहाँ ज्ञान का अभिमान आवेगा, और जहाँ ज्ञान की उपलब्धि के बाद ज्ञानीपन का अभिमान नष्ट हो जाए वहाँ सच्चा ज्ञान होगा। तो ज्ञान के द्वारा ज्ञानीपन का अभिमान पाने वाले संसार में बहुत हैं। इसीलिए रामायण में ज्ञानी के दो रूप बताए गए हैं। एक ज्ञानी का रूप बताया गया, ज्ञान मान जहाँ एक औ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। सच्चा ज्ञान वहाँ पर है जहाँ मान का लेश नहीं है। पर इसके साथ साथ तुलना में एक वाक्य यह भी कहा गया, जे ज्ञान मान विमत तब भवहरणी भगति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी। इसीलिए संकेत आता है कि समुद्र मंथन किए जाने के पश्चात जब अमृत का वितरण किया जाता है तो वह एक ही पात्र से होता है। उसी पात्र के एक भाग से अमृत निकल रहा था और दूसरे भाग से सुरा। दैत्य सुरा पीकर उन्मत्त हो रहे थे और देवता अमृत पीकर अमर हो रहे थे। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि वितरण तो सर्वत्र समान ही है। एक ही ग्रंथ दो व्यक्ति पढ़ रहे हैं, एक व्यक्ति उसे पढ़कर नम्र हो गया, समझ लीजिए देवता हो गया, और दूसरा उसी ग्रंथ को पढ़कर अभिमान में चूर हो गया, वह दैत्य प्रकृति हो गई। मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि व्यक्ति में ज्ञान की कमी है, प्रश्न यह है कि ज्ञान का परिणाम क्या हुआ। फिर वही मूल बात आई कि सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक,
गुण यह उभय न देखिए देखई सो अभिवेक। जिस समय सुपर्णखा से रावण श्री राम का पूरा वर्णन सुनता है और रात्रि में अपने महल में जाता है, अपने पलंग पर लेटता है, तो उसको नींद नहीं आती। नींद न आने पर रावण जब शुद्ध अंतःकरण से विचार करता है तो द्वेष की स्थिति, आवेश की स्थिति से गुजरते हुए वह सत्य के सन्निकट पहुँचता सा दिखाई देता है। रावण सोचता है कि यह कौन व्यक्ति हो सकता है जिसने अकेले ही 14,000 राक्षसों का संहार कर दिया, और अब कितने ज्ञान का प्रकाश उसमें हुआ। खर दूषण मुहि संबलवंता तिन्ही को मारई बीनो भगवंता। हमारे इतने शक्तिशाली भाइयों को यदि कोई मार सकता है तो इसका अर्थ है निश्चित रूप से भगवान आ गए। कितना बड़ा ज्ञानी है रावण, पर है बड़ा विचित्र ज्ञानी। लगा कि पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में उदित हो गया, लेकिन जो ही रावण के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ कि ईश्वर का अवतार हो गया, त्यों ही उसके मर्म में प्रेरणा हुई, अथवा यूं कहें उसके विवेक ने कहा कि यदि ईश्वर का अवतार हो गया है तो भजन करना चाहिए। पर यह तो रावण के विवेक की क्षणिक झलक थी। रावण का अहंकार, उसका मन उसके विवेक से प्रबल है। उसके अहंकार ने कहा, तुमने इतनी सरलता से मान लिया कि ईश्वर आ गया है, केवल एक घटना हुई और मात इतने से तुम डिग गए। तुमने मान लिया कि वह व्यक्ति ईश्वर को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। तब रावण के अहंकार ने कहा कि हम उसको कसौटी पर कसकर देखेंगे, परखेंगे और उसके पश्चात निर्णय करेंगे कि सचमुच वह ईश्वर है या नहीं। फिर विवेक ने प्रश्न किया, अच्छा यदि तुम्हारे मन में यह निर्णय हो गया कि ईश्वर है तो क्या करोगे? तब भजन करोगे क्या? तब मन की बात उसने कह दी, हो हई भजनु न तामस देह। भजन वजन तो अपने से हो नहीं सकता। अब सोचिए उस ज्ञान का लाभ क्या है जिसे व्यक्ति जीवन में न उतार सके। जान तो सब लें और जान लेने के पश्चात व्यक्ति यह कहे कि हमसे हो नहीं सकता, तो ऐसा जानने का क्या तात्पर्य? हनुमान जी का उत्तर भी इसी संदर्भ में था। हनुमान जी को जब मेघनाद नागपाश में बांधने लगा तो हनुमान जी जानबूझकर बंध गए। वे मूर्छित तो थे नहीं, केवल मूर्छा का स्वांग किए हुए था। चाहते तो न बंध जाते, पर उन्हें लगा कि रावण से वार्तालाप का उचित रूप यही होगा। रावण की सभा में हनुमान जी खुले नहीं जाना चाहते थे, बंधे हुए जाना चाहते थे, क्योंकि जानते थे कि रावण ने मेघनाद को आदेश दिया था कि उसको जरा बांध कर मेरे पास ले आना, मैं एक अपराधी का न्याय करना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति ने मेरी वाटिका का फल चुरा कर खाया है उसे एक चोर समझकर दंड दूंगा। हनुमान जी जब रावण की सभा में एक चोर की भांति लाए गए तो रावण ने तुरंत हनुमान जी पर व्यंग करते हुए पूछा कि दूसरे की वाटिका का फल बिना पूछे खाना क्या चोरी नहीं है? प्रत्येक अधार्मिक व्यक्ति दूसरे से धर्म की आशा रखता है, वह यही चाहता है कि दूसरे व्यक्ति धर्म का पालन करें। रावण ने यह भी पूछा कि तुमने फल खाने के साथ ही मेरी वाटिका को क्यों उजाड़ दिया? हनुमान जी ने इसका विचित्र उत्तर दिया, खायो फल प्रभु लागी भूखा, भूख लगी थी इसीलिए मैंने फल खा लिए। रावण ने पूछा, मेरा बाग क्यों उजाड़ा? तो बोले, कपि स्वभाव ते तो रऊ रूखा, यह तो बंदर का स्वभाव है इसलिए मैंने उजाड़ दिया। यह उत्तर युक्तियुक्त लगता है क्या? कोई चोर न्यायालय में कह दे कि मैंने इसलिए चुरा लिया कि मुझे आवश्यकता थी, या किसी से पूछने पर कि आग क्यों लगा दी कोई कह दे कि घर फूंकने और उजाड़न देने का मेरा स्वभाव है, तो शायद उसे जितना दंड मिलने वाला होगा उससे दूना मिलेगा। हनुमान जी को क्या इसी प्रकार का उत्तर देना चाहिए था? अलग से उनके इस उत्तर को देखें तो वह सही नहीं लगता, क्योंकि हनुमान जी यह सारी बात जिस संदर्भ में कह रहे हैं उनसे यह उत्तर बड़ा पैना हो गया है। तात्पर्य क्या है? हनुमान जी से रावण कहता है कि क्या चोरी करना अपराध नहीं है, और हनुमान जी का व्यंग यह है कि क्या एक भूखे बंदर का फल खाना चोरी है, और इतनी पत्नियों के स्वामी होते हुए भी जगत जननी की चोरी करना तुम्हें चोरी नहीं दिखाई देती? तुम एक व्यक्ति को फल की चोरी के लिए कैदी बनाते हो, पर स्वयं सीता जी को चुराने के बाद तुम्हें अपनी में चोरी नहीं दिखाई देती? तो क्या तुम्हारे जीवन में दो मापदंड हैं, एक दूसरे के लिए और दूसरा अपने लिए? और जब हनुमान जी ने कहा कि बंदर के स्वभाव के कारण मैंने वृक्ष तोड़े, तो यह और भी बड़ा व्यंग था। इसका तात्पर्य यह है कि तुमने राम के ईश्वरत्व को जान लिया, पर जानने के बाद भी तुमने कहा हो ई भजन तामस देहा। तुम विद्वान ब्राह्मण और ऋषि की संतान हो, शास्त्रों के पंडित हो,
और फिर भी कहते हो मेरा मन भजन नहीं कर सकता। तो जब एक विद्वान ब्राह्मण अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता तो एक बंदर अपना स्वभाव बदल सकता है क्या? जब तुम अपने को नियंत्रित नहीं कर सकते तो एक पशु से कैसे आशा करते हो कि वह अपने स्वभाव को नियंत्रित करे और अनुशासित बन जाए। बहुधा देखा जाता है लोग कुत्तों को अनुशासित करना होना सिखाते हैं, परंतु स्वयं उन्हें अनुशासित होना चाहिए इस पर उनका कभी ध्यान नहीं जाता। हनुमान जी का कटाक्ष यही था कि रावण अपनी ओर तो दृष्टि डालो, न्याय करने वाले के लिए केवल सामने वाले पर न्याय कर देना ही पर्याप्त नहीं, इस पर भी विचार करना चाहिए कि न्यायकर्ता जिस आसन पर बैठा है वह उसका अधिकारी है या नहीं। तो रावण के जीवन में भी सत्य के प्रकाश का उदय हुआ था, पर उसकी वासना ने उसे विचलित कर दिया और जो कुछ रहा सहा प्रकाश रहा होगा उसके अहंकार ने उसे भी तिरोहित कर दिया। उसके मन ने निर्णय कर लिया कि भजन नहीं होगा, किंतु इसके बाद उसके अहंकार ने कहा हम तो ईश्वर की परीक्षा लेकर देखेंगे। तो इस परीक्षा के लिए रावण ने कसौटी क्या बनाई? वह पंडित था, उसने निर्णय किया ईश्वर का लक्षण होता है कि वह सर्वज्ञ होता है, अतः यदि मैं एक नकली मृग बना कर ले चलूं, तो सर्वज्ञ ईश्वर होने पर वह उसके पीछे नहीं भागेगा, यदि भागेगा तो समझ लूँगा कि यह मनुष्य है। यही हुआ भी, ईश्वर तो बड़ा कौतुकी निकला। स्वर्ण मृग लेकर रावण आया तो जानते हुए भी राम स्वर्ण मृग के पीछे भागे और अहंकार भरा रावण मन में हंसने लगा कि मैंने किन अज्ञान के क्षणों में इसे ईश्वर मान लिया था। ईश्वर की बात तो दूर, यह तो एक बुद्धिमान राजकुमार जैसा भी मालूम नहीं होता। जिस व्यक्ति को स्वर्ण मृग की सत्ता पर विश्वास हो गया वह भला ईश्वर कैसे होगा? वह तो कोई अल्पबुद्धि प्रतीत होता है जिसको लोभ के कारण यह भी ध्यान नहीं रहा कि स्वर्ण मृग भी क्या संभव वस्तु है। उसका अहंकार अंत में ईश्वर को अनुतीर्ण कर देता है। भाई, यह तो स्वाभाविक है कि मैं और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते हैं। जब मैं था तब प्रभु नहीं, अब प्रभु है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दून समाही। तो रावण अहंकार के कारण ईश्वर से दूर चला गया। रावण का दर्शन क्या है, जरा इस संदर्भ में मैं आपको कुछ बातें बताऊं। रावण शक्ति को स्वीकार करता है। भौतिकवादी विज्ञान की जो मान्यता है रावण उसके बहुत निकट है। इसका तात्पर्य यह है कि भौतिक विज्ञान का पंडित पदार्थ में शक्ति को मानता है और यह निरंतर उस शक्ति को प्रकट करने की चेष्टा करता है। वह यह मानता है कि वस्तु से जिस शक्ति को हम प्रकट करते हैं वह हमारे अधिकार में आ गई और उसे हम अपनी इच्छा के अनुकूल चला लेंगे। इसीलिए विज्ञान की प्रतिक्षण चेष्टा यही है कि वह पदार्थ को शक्ति में परिवर्तित करता रहे और शक्ति को अपनी इच्छा अनुकूल चलाता रहे। भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान में अंतर कहाँ है? भौतिक विज्ञान ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, पर शक्ति की सत्ता पर विश्वास करता है। आध्यात्मिक विज्ञान यह मानता है कि जब शक्ति की सत्ता है तो शक्तिमान भी है। यही वास्तविक मतभेद है। भौतिक विज्ञान ईश्वर की सत्ता में विश्वास न करते हुए कहता है कि हम तो निरंतर पदार्थों को शक्ति में परिणत करेंगे और अपनी इच्छानुकूल उसका समाज में उपयोग करेंगे। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि शक्ति के बाद शक्तिमान की खोज करो। शक्ति है तो शक्ति का स्वामी शक्तिमान भी है। बस यही अंतर है। भौतिक विज्ञान ही कहता है कि शक्ति जिसके पास है वही शक्ति का स्वामी है, और आध्यात्मिक विज्ञान कहता है नहीं, शक्ति तो माँ है। शक्ति के हम बेटे हो सकते हैं, स्वामी नहीं हो सकते। शक्ति का स्वामी तो एकमात्र ईश्वर ही हो सकता है। अब रावण के दर्शन में, अयोध्या के दर्शन में और जनकपुर के दर्शन में जो अंतर है उस पर विचार करके देखिए। रावण सीता जी को चुरा कर ले जाता है, उसका अभिप्राय शक्ति की प्राप्ति है। सीता के चरणों में वह प्रणाम भी करता है और इसी नाते कई लोग प्रमाण पत्र दे देते हैं कि रावण बड़ा भारी भक्त था। जितने स्वार्थी और भोगवादी व्यक्ति होते हैं वे अपनी आकांक्षा और अभीप्सा की पूर्ति के लिए कब प्रणाम नहीं करते। तभी तो अंगद जब रावण की सभा में आए तो सारे सदस्य उठकर खड़े हो गए। उठे सभासद कपि कहूँ देखी। रावण को क्रोध इस बात पर आ गया कि मेरी जिस सभा में आकर इरण इंद्र वरुण कुबेर तक झुक जाते हैं वहाँ एक बंदर को देखकर स्वागत किया गया, यह हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात है। पर बेचारे राक्षस अंगद का स्वागत नहीं कर रहे थे, वे तो अंगद को हनुमान समझ बैठे थे
और उन्हें याद आ गई कि इसी ने लंका जलाई थी, और यदि स्वागत नहीं करेंगे तो अब शायद हम ही लोगों का नाश कर देगा। वे बेचारे डर के मारे खड़े हो गए थे। रावण ने निर्णय लिया कि सभासद को बाद में देखेंगे, अभी अगर बंदर के सामने उनको डांटेंगे तो उसे और मजा आवेगा। अंगद ने जानबूझकर खेल किया। अंगद ने कहा कि तुम अथवा तुम्हारी सभा का कोई सदस्य अगर मेरे पैर को उठा देगा तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि राम हार स्वीकार कर लेंगे और सीता जी तुम्हारे पास रह जाएंगी। उन्होंने कहा, जो मम चरण सकसि सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। कई बेचारे कमजोर दिल वाले तो आज भी कांप जाते हैं कि यदि अंगद का पैर हट जाता तो क्या होता। ये बेचारे इतने कमजोर हृदय के हैं कि अंगद का पैर तो नहीं हटा, पर ये उस आतंक की कल्पना करके आज भी भयभीत होते हैं। अंगद की योजना बड़ी दूरगामी थी। अंगद चाहते क्या थे? देखिए, शक्ति का जो संघर्ष है वह तो बहुत पहले प्रारंभ हो गया था। शक्ति का प्राकट्य जनकपुर में हुआ। शक्ति में तीन नाते हैं, एक जनकपुर का, एक अयोध्या का और एक लंका का। जनकपुर निष्काम कर्मयोगी का नगर है, वहाँ पर शक्ति को पुत्री मान लिया गया है। जनक पिता बनकर शक्ति को पुत्री के रूप में पाते हैं और उसे शक्तिमान को समर्पण करने का संकल्प करते हैं। जब एक महान तत्वज्ञ ने शक्ति को पाने के बाद शक्तिमान को समर्पण करने का निश्चय किया तो उसने शर्त लगा दी कि शक्ति का स्वामी धनुष को तोड़ते हुए अपनी शक्तिमत्ता का परिचय देगा और उसे ले जाएगा। जैसा कि अखबारों में विज्ञापन दिया जाता है कि वस्तु मिली है, प्रमाण देकर ले जाइए, किंतु शक्ति को पाने का इतना लोभ है कि लाखों व्यक्ति प्रमाण पत्र देने के लिए आ गए। लाखों को लगा कि शायद हम ही इसके योग्य अधिकारी हैं। गोस्वामी कहते हैं, देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रण धीरा। सारे विश्व के लोग एकत्र हो गए। शक्ति को पाने का यह प्रलोभन प्रकट करता है कि लोगों में शक्ति को पाने की कैसी तीव्र व्यग्रता है। रावण और बाणासुर जैसे लोग भी उस प्रलोभन से आकृष्ट होकर जनकपुर आते हैं। वे भी शक्ति को पाना चाहते हैं। देश विदेश के राजा इस प्रयत्न में लगे हैं कि उनका व्यंगात्मक चित्र भी तुलसीदास बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। पहले तो ज्यों ही महाराज जनक के बंदी जनक जी की प्रतिज्ञा की घोषणा करते हैं कि धनुष तोड़ने वाले को सीता जी मिलेंगी, सारी सभा में भगदड़ मच जाती है। यही शक्ति पाने की होड़ है। इससे पहले कोई शक्ति पर अधिकार न कर ले, अगर शक्ति का स्वामी किसी को होना है, श्री का स्वामी होना है, समृद्धि का स्वामी होना है, तो हमें ही होना है। इस होड़ में वे असफल हो गए। इनके असफल हो जाने पर तुलसीदास जी ने बड़ा व्यंग किया कि अब 10,000 राजा एकत्र हो गए। भूप सहस्र दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। 10,000 राजा मिलकर एक ही साथ प्रयास कर रहे हैं, कितने बड़े अविवेक का लक्षण है। जब इन राजाओं को ज्ञात है कि वह केवल एक से ही होगा तो ये 10,000 मिलकर प्रयास क्यों कर रहे हैं? इसका तात्पर्य यह है कि मिलते समय भी मन में संकल्प है, 10,000 मिलकर धनुष को तोड़ो और बाद में आपस में लड़ो। 9,999 का सिर काटो, तब कहीं एक का विवाह होगा। जितने शक्ति के अभिलाषी होते हैं उनका गणित ही ऐसा होता है। चाहे वे अकेले प्रयास करें या संस्था और संगठन बनाकर प्रयास करें, लक्ष्य एक ही है। पर यहाँ अकेले प्रयास किया तो असफल हो गए, 10,000 लोगों ने संगठित होकर प्रयास किया तो भी अंत में उनका उद्देश्य एक दूसरे का सिर काटना है। कभी कभी रामायण पढ़ने वाले बड़े आश्चर्य से प्रश्न किया करते हैं कि कितना बड़ा धनुष था जो उसे तोड़ने में 10,000 राजा लग गए। बहुत से लोग इसे ग्रंथ रामायण को गणित के ग्रंथ की तरह पढ़ते हैं, उसको साहित्य या अध्यात्म के ग्रंथ की तरह नहीं पढ़ते। यह बड़ी समस्या है, किंतु किसी वस्तु को पढ़ते समय आप कम से कम यह तो समझ लें कि आप पढ़ क्या रहे हैं। जैसे एक विद्यार्थी गणित पढ़े, वही भूगोल भी पढ़े और साहित्य भी। जब तक प्रश्न पत्रों का उत्तर दे तो वही सार्थकता इसमें नहीं कि बस उत्तर दे दिया जाए, बल्कि इसमें है कि सही संदर्भ में उत्तर दिया जाए। बात को स्पष्ट करने के लिए मान लीजिए भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है और पूछ लिया जाए कि चंद्रमा में कालापन क्यों है, और कोई उत्तर में रामायण का दोहा लिख दे, कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससि तुम प्रिय दास, तब मूरति विदु उर बसति सोई श्यामता आभास, तो वह छात्र उत्तीर्ण हो जाएगा क्या?
और इसी प्रकार साहित्य का प्रश्न पत्र हो और उसमें रामायण का प्रश्न दोहराया जाए कि कह प्रभु ससी महु मेचक ताई कहु काह निज निज भति भाई, तो आप उत्तर में आजकल के शोध के अनुसार चंद्रमा की कालिमा का कारण लिख दें। तो क्या रामायण के संदर्भ में वह उत्तर सही माना जाएगा? इसका तात्पर्य यह है कि साहित्य की अपनी अलग दृष्टि है, दर्शन की अपनी अलग, और भौतिक विज्ञान अपने अलग ढंग से सोचता है। अब 10,000 के अंक में आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि सचमुच कितने हजार हैं। वहाँ गोस्वामी जी का जो व्यंग है बड़ा सार्थक है। गोस्वामी जी ने अंक भी ऐसा चुना जिसे मानो व्यंग ध्वनित हो रहा है। यह व्यंग क्या है? इन राजाओं से यदि पूछा जाए कि विवाह जब एक का ही होगा तो क्या इन 10,000 का एकत्र होना मूर्खता नहीं, तो प्रत्येक राजा यही कहेगा कि 10,000 में भी अंक तो एक ही होता है, बाकी शून्य होता है। वह एक मैं हूँ और बाकी जो शून्य हैं वे मेरे पीछे खड़े हैं। विवाह केवल मेरा होगा, बाकी शून्य की तरह मेरी शक्ति बढ़ा रहे हैं। गोस्वामी जी ने गणित के संदर्भ में साहित्य को नया अंग अर्थ दे दिया। श्री राम शबरी के आश्रम में गए। शबरी ने कहा, प्रभु मैं तो छोटी जाति की हूँ, स्त्री हूँ। प्रभु ने कहा, जातिवाती से मुझे क्या करना है? मैं तो जाति का नाता नहीं मानता, मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। फिर भगवान ने 10 वस्तुएं गिनाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण तथा चतुराई। प्रभु ने कहा, भगतिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल वारिद देखई जैसा। इसके बाद प्रभु कहते हैं, नवदा भगति कहो तो ही पाही। सबका चक्कर छोड़ो, नौ को चुनो। इसमें साहित्यिक व्यंग है। किसी से कहिए 10 छोड़ो 9 को ले लो तो कौन तैयार होगा? 10 लेगा या 9 लेगा? प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा कि हम घाटा क्यों सहें, हम तो 10 लेंगे 9 नहीं। पर भगवान कहते हैं, शबरी 10 व्यर्थ हैं और 9 ठीक हैं। गणित के अर्थ में नहीं बल्कि शुद्ध साहित्यिक रूप में भगवान अपनी बात रखते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि देखने में तो 10 ही बड़ा लगता है, पर अंक शास्त्र के किसी विद्यार्थी से कहा जाए कि सबसे बड़ा अंक लिखो तो वह 9 लिखेगा। किसी विद्यार्थी से उससे कह दें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो तो वह 2 बार 9 लिख देगा। जब भी लिखने को कहा जाएगा विद्यार्थी 9 की याद करेगा, 10 की नहीं। इसका कारण यह है कि अंक 9 तक ही समाप्त हो जाता है। यह 10 कौन है? अंकों में जो सबसे छोटा है वह 1, और अंकों में जिसका कोई दाम नहीं वह है 0। दोनों ने मिलकर समझौता किया कि सबसे बड़े 9 को हम हरावें और इससे भी आगे निकल जावें। इसका अर्थ क्या है? सबसे कम दाम वाले के द्वारा निरर्थक शून्य के साथ मिलकर अपना मूल्य बढ़ाने की चेष्टा। भगवान का व्यंग यह था कि जाति पाति आदि के द्वारा जो अपना बढ़प्पन बढ़ाना चाहते हैं वे अपनी शूद्रता के लिए शून्य का आश्रय ले रहे हैं, जिनका वस्तुतः कोई मूल्य नहीं। 9 का अभिप्राय तो एक रस रहने वाला मूल्य है। इसीलिए उस संदर्भ में व्यंग यह है कि जो शक्ति का अभिलाषी होता है वह किस प्रकार मिथ्या शून्य या बड़प्पन का आश्रय ले लोक दृष्टि से स्वयं को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। पर जो शून्य है वह तो शून्य ही है, अतः वह 10,000 राजा नहीं थे बल्कि 10,000 शून्य थे। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, एक तो वस्तुतः अलग बैठा हुआ है। एक कहिए चाहे 9 कहिए या सर्व कहिए, वह तो ईश्वर है। और ये राजा लोग ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने को एक मानता है और दूसरे को शून्य। इसका अभिप्राय यह है कि सबकी दृष्टि में कोई सर्वमान्य एक है ही नहीं। इसका परिणाम यह होता है कि शक्ति की इस होड़ में राजा असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। रावण आता है तो वह शब्द चातुर्य के द्वारा सीता जी को पाना चाहता है। व्यंग आता है हनुमान नाटक में, उसमें रावण जनक से कहता है, पहले तुम इस कन्या का विवाह मुझसे कर दो, बाद में मैं धनुष तोड़ दूंगा। रावण ने बड़े तर्क का प्रयोग किया। उसने कहा, यह बताओ जिस व्यक्ति ने कैलाश को उठा लिया क्या वह धनुष नहीं उठा पाएगा? ऊपर से तर्क बड़ा समझने योग्य है। आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया? कहा जाता है कि शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे और रावण ने उनके सहित कैलाश को उठा लिया, तो शंकर जी का यह धनुष भी तो वहीं रहा होगा। और न जाने कितने देवी देवता ऋषि मुनि पर्वत सहित रावण ने उन्हें उठा लिया।
तब रावण अकेले धनुष को उठा पाने में समर्थ क्यों ना हुआ। यही रामायण का दर्शन है जिस पर लोग कम ध्यान देना पसंद करते हैं। लोग केवल घटनाक्रम के रूप में उसे पढ़ना चाहते हैं। हाँ, तो क्या अभिप्राय है इसका? भगवान राम धनुष कैसे उठा लेते हैं, और यह भी गोस्वामी जी ने बताया, तथा और लोग क्यों नहीं उठा पाते, इसकी भी उन्होंने बड़ी विलक्षण व्याख्या की है। जनक की प्रतिज्ञा है कि सीता जी का विवाह उससे होगा जो धनुष को उठावे। इसका अभिप्राय यह है कि शक्ति का स्वामी वह है जो भार उठावे। जो दूसरे के कंधे का भार बने वह शक्ति का स्वामी होने का अधिकारी नहीं है। पर संसार में जितने शक्ति के अभिलाषी हैं वे दूसरे के कंधे पर सवार होकर शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। सेवा के लिए शक्ति नहीं चाहते, वे तो स्वामित्व और अहंकार की पूर्ति के लिए शक्ति चाहते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी व्यंग करते हैं कि ज्यों ज्यों राजा इस धनुष के पास जाते हैं त्यों त्यों इसका बोझ बढ़ता जाता है। चाहिए तो ये था कि वे धनुष का बोझ उठा लेते, किंतु वे राजा धनुष पर ही सवार हो गए। स्थूल अर्थों में इसे न समझिए। गोस्वामी जी ने कहा है, मनहु पाई भट बाहुबल अधिकु अधिकु गरु आई। कोई भी व्यक्ति जब वस्तु को उठाना चाहे तो उसके लिए आवश्यक है कि वह उससे अलग हटकर खड़ा हो। इसको गोस्वामी जी ने अनेकों व्यंग प्रसंगों में बताया कि वस्तुतः ये राजागण धनुष पर सवार होना चाहते हैं, अतः धनुष को उठाने की क्षमता कैसे रखेंगे, उसे तो केवल ईश्वर उठावेगा। इसी को दूसरे संदर्भ में गोस्वामी जी कहते हैं, जब मेघनाथ लक्ष्मण को शक्ति मारता है लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेघनाथ लक्ष्मण जी को उठाने की चेष्टा करता है किंतु उठा नहीं पाता। इसको वे दार्शनिक ढंग से समझाते हैं, मेघनाथ समकोटि सत जोधा रहे उठाए जगदाधार शेष किमी उठई चले खिसियाए। लक्ष्मण उठ ही नहीं पाए क्योंकि वे जगत आधार हैं, शेष हैं। मेघनाथ कहाँ खड़ा है? पृथ्वी पर। पौराणिक मान्यता है कि पृथ्वी शेष पर विराजमान है और लक्ष्मण शेष के अवतार हैं। इसका तात्पर्य क्या है? जिनके आधार पर मेघनाथ खड़ा है उन्हीं को उठाने की चेष्टा करेगा तो कैसे उठा पाएगा? इसका तात्पर्य यह है कि मेघनाथ तो देखता है कि मुझ में भार उठाने की शक्ति कितनी है, पर यह नहीं देखता कि मुझ सहित भार उठाए हुए कौन है। इस कार्य कारण भाव का संकेत है। व्यक्ति बहुधा यही देखता है। एक व्यक्ति अपने सिर पर कोई बोझ ले ले और वह गर्व करे कि मेरे सिर पर तो एक मन का बोझ है, तब उसे दर्द होगा। जब वह ऊपर की ओर देखेगा कि मेरे सिर पर क्या है, जब सोचेगा कि एक मन का बोझ लिया हुआ यह शरीर भी पृथ्वी पर बोझ है, ऐसे अनगिनत बोझ उठाने वालों का बोझ पृथ्वी ने उठा रखा है, तब व्यक्ति को अपना बोझ उठाने पर गर्व होगा क्या? इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति मूल शेष तत्व पर, कारण तत्व पर विचार नहीं करता, कार्य को देखकर कर्म करता है, इसीलिए ऐसा होता है। राजा लोग सोचते हैं कि समष्टि अहंकार के देवता धनुष को व्यष्टि अहंकार के द्वारा उठा लें। व्यष्टि अहंकार समष्टि अहंकार को उठावेगा कैसे? यह तो स्वयं समष्टि अहंकार का आश्रित है। शंकर जी समष्टि अहंकार के देवता हैं और राजा लोग व्यष्टि अहंकार को लेकर चले, इसीलिए व्यष्टि अहंकार के लिए संभव नहीं कि वह समष्टि अहंकार को उठा सके। ऐसी स्थिति में राजाओं की असफलता स्वाभाविक है। आगे चलकर आप देखेंगे भगवान राम से परशुराम जी ने कहा कि धनुष तुमने तोड़ा। यदि भगवान भी यह कहते कि धनुष मैंने तोड़ा तो धनुष टूटने वाला नहीं था। इसका अभिप्राय यह है कि मैं से मैं का कैसे विनाश होगा? वह तो अकृतत्व से ही कृतत्व पर विजय हो सकती है। इसीलिए भगवान राम ने आदि से लेकर अंत तक अपने आप को धनुष उठाने वाले के रूप में कभी नहीं देखा। अब रावण के संदर्भ में विचार कीजिए, है तो थोड़ी रुखी फीकी बात। रावण शंकर जी को उठाता है और शंकर जी उठ गए। इसका अर्थ क्या है? रावण शंकर जी को गुरु मानता है। गुरु शब्द का अर्थ आप जानते ही होंगे। गुरु शब्द का एक अर्थ होता है व्युत्पत्ति जन्य और उसका दूसरा अर्थ है रूढ़। व्युत्पत्ति जन्य गुरु का अर्थ है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। प्रायः प्रचलित अर्थ से रूढ़ कहते हैं। रूढ़ शब्द अर्थ में गुरु शब्द का अर्थ भारी होता है, जिसका कि हम सम्मान करते हैं। अब यह विचार करके देखिए कि गुरु स्वदृष्टि से गुरु है अथवा शिष्य दृष्टि से।
शिष्य गुरु में बड़प्पन की कल्पना करता है अथवा गुरु स्वयं में ही बड़प्पन की कल्पना करता है। जो शिष्य की दृष्टि में गुरु है वह तो धन्य है, पर जे स्वादिष्ट में गुरु बन गया बना तो वह गया। श्रद्धा से शिष्य अपने गुरु में श्रेष्ठता आरोपित करे तो उसका कल्याण है, पर गुरु कहीं अपने में श्रेष्ठता आरोपित कर ले, अपने को गुरुत्व का अधिकारी मान ले तो कैसे चलेगा। सच्चा गुरु तो स्वभाव से ही हल्का और निरअहंकारी होता है। सबसे बड़ा बोझ अहंकार का होता है। सच्चे महापुरुष में अहंकार होता नहीं, अतः वह बिल्कुल हल्का होता है। रावण जैसे लोग क्या करते हैं, वे गुरु का नाम तो लेते हैं मगर इस प्रकार मानो कि वे गुरु पर कृपा कर रहे हों। गोस्वामी जी की विवेचना देखिए। भगवान शिष्य का शंकर का शिष्य बना रावण, उधर भगवान राम गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करते हैं, दोनों में क्या अंतर है। भगवान राम लंका जीत कर आए तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ के चरणों में सिर रख दिया। गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को उठाया, हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने गदगद होकर कहा, गुरुदेव यही तो गुरु की कृपा है कि वह नीचे गिरे हुए शिष्य को अपने आश्रय से ऊपर उठा लेता है। आपने मुझे अपने चरणों से ऊपर उठाया, यही महापुरुष का स्वभाव है। पर जब रावण शंकर जी को प्रणाम करता है तो कैसे करता है। रावण ने कैलाश पर्वत को शंकर सहित सिर पर रख लिया, तो रावण का प्रणाम ऊंचा है या भगवान राम का। इसका तात्पर्य यह है कि रावण यह मानता है कि संसार के चेले गुरु की कृपा से उठते होंगे, पर मैं वह चेला नहीं हूँ जो गुरु को ऊपर उठा लिया करता हूँ, मैं वो चेला हूँ, मुझे किसी उठाने वाले की आवश्यकता नहीं। गोस्वामी जी कटाक्ष करते हैं कि रावण ने संसार को जीत लिया और तब उसने सोचा कि अब तो मेरे सामने सब हार गए। लेकिन उसको एक चिंता हो गई, उसने सोचा कि जब मैं कहूँगा कि मैंने सारे विश्व को जीत लिया तो लोग कहेंगे कि शंकर जी को तो नहीं जीता। अब अगर मैं शंकर जी से जाकर लड़ता हूँ तो निंदा होगी कि गुरु से लड़ा, और फिर यदि उपाय नहीं करता हूँ तो शंकर जी के सामने छोटा रहूँगा, तो फिर क्या करूँ। अचानक उसके मन में विचार आया कि तराजू पर जब कोई वस्तु तौली जाती है तो यदि वह हल्की हुई तो ऊपर उठ जाती है और भारी हुई तो नीचे आ जाती है। अतः कौतुक ही कैलाश पुनी लीन हिसी जाई उठाई, मन हु तोल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। जो ही उसने शिव सहित कैलाश पर्वत को उठाया तो शिव जी उठ गए। वे स्वदृष्टि से तो भारी हैं ही नहीं, वे तो सच्चे गुरु हैं, अपनी दृष्टि में उनमें कहीं अहंकार नहीं है। रावण सिर उठाने लगा तो मुस्कुरा कर उठ गए। कैलाश को उठाकर रावण ने संसार को धीरे से दिखा दिया कि मैंने ही इन्हें गुरु मान लिया है, हैं तो ये हल्के, वास्तव में गुरु तो मैं हूँ, क्योंकि यदि मैं भारी ना होता तो नीचे कैसे रहता, और शिव हल्के ना होते तो ऊपर कैसे उठ जाते। इसीलिए हल्के ये हैं और भारी मैं हूँ। पर जब धनुष तोलने का सवाल आया तो रावण कैसे तोलता। गोस्वामी जी यहाँ पर कटाक्ष करते हैं, वस्तु तोलने के लिए आपके पास तराजू थोड़ी ही चाहिए। तराजू के एक ओर आप वस्तु रखिएगा और दूसरी ओर बाट, तभी वस्तु तोली जाएगी। रावण दुर्भाग्यवश गुरु को हल्का बना चुका है। यदि उसने गुरु को हल्का न बनाया होता तो आज भगवान शंकर की कृपा का आश्रय लेकर धनुष के उस गुरुत्व को लघुत्व में परिणत कर सकता था। आज रावण के पास तोलने का बाट तो था नहीं। धनुष यज्ञ की सभा में वह आया तो डर गया कि अगर धनुष न उठा तो क्या होगा। रावण सार्वजनिक परीक्षा से बड़ा घबराता था, यदि सफल हो सकता तो घोषणा कर देता, पर जहाँ विफलता का डर हो वहाँ लोगों के सामने परीक्षा देने को तैयार नहीं होता था। इसीलिए रावण यह सोचकर डर गया कि धनुष को न उठा पाया और असफल हो गया तो क्या होगा। भगवान राम ने कर्ता बनकर धनुष को नहीं उठाया। गोस्वामी जी का एक एक वाक्य अपने आप में अनोखा है। जैसे भगवान राम की यात्रा में सर्वत्र भगवान चलते हैं और प्रसन्न और हर्षित मन से चलते हैं। पुरुष सिन्न दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरन, और आगे चलकर भी कहते हैं गुरु पद पदुम हर्षि सिरु नावा, अथवा हर्षि चले मुनि विंद सहाया बेगी विदेह नगर नियराया। स्वतंत्र हर्ष का उल्लेख है। इसके विपरीत जब विश्वामित्र जी ने भगवान राम से कहा कि धनुष उठाने को उठो तो
तोड़ने को उठो, तो तुलसीदास ने यह नहीं लिखा कि भगवान राम हर्षित मन से उठे और चले, बल्कि गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनि गुरु वचन चरण सिरु नावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा। न तो हर्ष है न विषाद, यह अंतर क्यों? इसका तात्पर्य यह है कि हर्ष और विषाद कर्ता में हुआ करता है। भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए अकर्ता बनकर चल रहे हैं, इसीलिए न तो उनके हर्ष है न विषाद। जहाँ कर्ता बनकर मनुष्य हर्ष स्वीकार करेगा, वहाँ अहम से अहम नहीं उठेगा। इसीलिए भगवान राम में हर्ष विषाद का अभाव है। दूसरा संकेत यह है कि जब किसी वस्तु को आप तराजू पर तोलते हैं, तो वस्तु को तोलने से पहले तराजू को भी तोल लेते हैं। कई बेचारे तो इसी धोखे में मारे जाते हैं कि तराजू पर वस्तु तुल गई ठीक ही होगी, घर पर ले जाकर तोला तो पता चलता है यह तो कम है, तराजू यह ठीक ना हो तो ऐसा होता है। पहले तराजू के दोनों परड़े उठाकर देखिए सम है या नहीं। तो जितने राजा धनुष को उठाने या तोड़ने चले, उनकी तराजू विषम थी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जनक की प्रतिज्ञा सुनते ही जितने राजा थे तुरंत उठे, परिकर बांधी उठे या कुलाई व्याकुल हो गए, और उससे तराजू का परड़ा विषम हो गया। विषम तराजू लेकर बिना मापदंड के जो धनुष तोड़ने जाएंगे, वे बेचारे क्या तोड़ेंगे। भगवान राम चले तो तराजू बिल्कुल सम थी, सुनि गुरु वचन चरण सिरु नावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा। हर्ष आ जाए तो भी विषाद, तराजू का परड़ा नीचे चला जाए, और विषाद आ जाए तो भी। इसीलिए न तो हर्ष न विषाद, निमित्त बनकर भगवान चले, कर्ता बनकर नहीं, इसीलिए स्वयं उठे भी नहीं। सब राजा तो स्वयं उठकर गए, लेकिन भगवान राम से जब तक विश्वामित्र ने नहीं कहा, तब तक वे नहीं उठे। विश्वामित्र में संकल्प आया कि तोड़ो, भगवान राम में स्वतः कोई संकल्प नहीं है। और जब वे धनुष के समीप गए, तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, अचानक इतना भारी धनुष कैसे हल्का हो गया। राजाओं को भी यही आश्चर्य था कि हम 10,000 व्यक्ति मिलकर प्रयास करते रहे और यह खिसका तक नहीं, और ये आए तो इनसे इतनी सरलता से उठ गया कि हमने देखा भी नहीं। तराजू पर जब वस्तु रखी जाती है, तो क्या उस पलड़े को हाथ से उठाया जाता है? तराजू पर आप जब वस्तु रखते हैं, तो उस पलड़े को उठाने का उपाय यह नहीं है कि आप उस तराजू के धागे को पकड़कर उठा लें, इससे तो काम और ख़राब होगा। उसका उचित उपाय यह होगा कि दूसरे पलड़े पर कोई भारी माप रख दीजिए, और तब देखिए आपके बिना प्रयास के वह उठ जाएगा। भगवान राम से धनुष क्यों उठ गया? गोस्वामी जी कहते हैं, तराजू सम था, धनुष एक और था, और भगवान राम ने दूसरे पलड़े पर एक वस्तु रखी और धनुष उठ गया। गोस्वामी जी के शब्द हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु दीन्हा। जब अब तक यह धनुष नकली गुरु बना हुआ था, लेकिन जो ही असली गुरु का स्मरण आया, नकली गुरु लघु हो गया। इसका अभिप्राय यह है कि जब तक जड़ता की गुरुता थी, जब चैतन्य गुरु के चरणों का आश्रय लिया, तो इस सहज भाव से धनुष हल्का होकर टूट गया, विनष्ट हो गया। बिना कृतत्व के कर्म को कर्ता युक्त कर्म पर विजय प्राप्त हो गई, श्री राम के कंठ में जयमाल पड़ गई, अस्तु। तो शक्ति पाने की एक प्रक्रिया वह है जहाँ गोस्वामी जी ने लघु और गुरु शब्दों का उपयोग किया। धनुष तभी तक गुरु था, भारी था, जब तक उससे भारी कोई नहीं आ गया। भगवान राम ने यह कभी नहीं स्वीकार किया कि मैंने पुरुषार्थ के द्वारा धनुष तोड़ा। उन्होंने कहा कि यह संकल्प तो गुरुदेव का था कि धनुष टूटे, और उस संकल्प से वह टूट गया। राम तो धनुष भंग के केवल निमित्त के रूप में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर रावण संकल्प करता है कि सीता को पाना है, फिर चाहे जैसे भी शक्ति मिले। हनुमान नाटक में वर्णन आता है, रावण जनक से कहता है कि पहले विवाह कर दीजिए, बाद में धनुष तोड़ देंगे। उसने यह तर्क दिया कि जो व्यक्ति कैलाश को उठा लेता है, उसे धनुष उठाने में क्या कठिनाई है। जनक कहते हैं, उठा सकते हो तो उठाते क्यों नहीं। रावण कहता है, मैं पंडित हूँ, शास्त्रीय विधि का पालन करना चाहता हूँ। उसने ज्योतिष शास्त्र का एक बड़ा दुरुपयोग किया। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियाँ मानी जाती हैं। एक राशि का नाम है कन्या और एक है धनु। कन्या छठी राशि है और धनु नवी। रावण ने कहा, जनक विचार करके देखो,
ज्योतिष शास्त्र में भी पहले कन्या है बाद में धनु। तुम ज्योतिष को उलटना चाहते हो इसीलिए पंडित नहीं हो, पर हम तो पंडित हैं इसीलिए पूर्णता चाहते हैं। जनक ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया। हनुमान नाटक में आता है कि जनक ने कहा, अच्छा आप नक्षत्र विद्या में बड़े कुशल हैं। व्यंग्य यह था कि जिस समय वीरता की आवश्यकता है उस समय नक्षत्र विद्या की गणित की याद दिलाना केवल भागने की चेष्टा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रावण केवल शब्द चातुरी के द्वारा सीता जी को पाना चाहता है, पर जनक उसे निराश कर देते हैं और वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रावण सीता जी को चुराने की चेष्टा करता है। यहाँ भी वही बात, शक्ति को चाहे जैसे भी पालो, छल या बल किसी भी तरह शक्ति पर अधिकार कर लो। रावण की शक्ति के प्रति तो आस्था है किंतु ईश्वर से विरोध है। इसीलिए जब वह दंडकारण्य में सीता जी का हरण करने के लिए चलता है तो गोस्वामी शब्द लिखते हैं कि मनु महु चरण बंदि सुख माना। रावण सीता जी के चरणों में प्रणाम करता है। इस दर्शन को सही न समझने वाले लोग इस प्रमाण के आधार पर कह देते हैं कि रावण तो महान भक्त था। अरे यदि रावण महान भक्त था तो बुरा फिर कौन था? शक्ति के सामने सिर झुकाने से ही क्या कोई भक्त बन जाता है? जितने सत्ता लोलुप और स्वार्थी लोग होते हैं वे तो सत्ता या शक्ति के सामने सदा ही सिर झुकाते हैं। अंगद ने रावण से जानबूझकर यही व्यंग किया। जब उसने कहा कि मेरा पैर हटा दो तो सीता जी नहीं जाएंगी, और यह रावण को मुँह तोड़ उत्तर था। मंदोदरी ने रावण से पूछा, तुम अगर सीता जी को पाना चाहते थे तो सीता जी को पाने का मार्ग खुला हुआ था। जनक ने राम से सीता का विवाह एकदम से नहीं कर दिया। जनक ने तो प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष उठावेगा उसे मैं अपनी कन्या दूंगा, तुम ही जाकर धनुष तोड़कर सीता को पा लेते। रावण वचन रचना में चतुर तो था ही। उसने कहा, मंदोदरी मेरे लिए धनुष तोड़ना कोई कठिन तो था नहीं, पर मैंने सोचा कि गुरुदेव के धनुष को तोड़कर विवाह करना ठीक नहीं है, इसीलिए गुरु के प्रति आदर के नाते मैंने ऐसा नहीं किया। रावण के इस धूर्ततापूर्ण उत्तर का वास्तविक रूप तो आगे चलकर अंगद ने स्पष्ट किया। अंगद ने रावण की सभा में पैर जमा दिया और कहा, जाने दो, विदेह नगर में जो यज्ञ हुआ था उसकी चर्चा छोड़ो, चलो हम लंका में एक यज्ञ फिर से किए दे रहे हैं। अब यह तो बंदर का पैर है, गुरु जी का कोई धनुष नहीं, एक बार शक्ति को पाने का फिर से प्रयास करके देख लो। अगर आज तुम मेरे चरण को हटा दो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि फिर ही राम सीता में हारी। रावण पहले तो थोड़ी देर शांत बना रहा, फिर दूसरों से बोला, उठो उठो। जब सब थक गए तो अंत में अंगद ने कहा, अब तो तुम ही बचे हो। और जब रावण उठकर खड़ा हुआ तो अंगद ने हंसकर उसे देखा। व्यंग यह था कि जब मुझे देखकर राक्षस खड़े हुए तो तुम्हें बुरा लगा था, पर अब तो तुम भी खड़े हो गए। वे लोग तो डर के मारे खड़े हुए थे और तुम लोभ के मारे खड़े हो गए। बात एक ही है, केवल वृत्ति का अंतर है। उनमें भय है, तुम में लोभ है। वे भयभीत हैं, तुम लोभग्रस्त हो। ठीक है, अगर बंदर का पैर उठाने से शक्ति स्वरूपा सीता जी मिल जाती हैं तो यही सही। शक्ति के प्रति रावण की जो लोभ दृष्टि है यहाँ पर उसका चित्र खींचा गया है। रावण ऐसा कभी नहीं मानता कि राम ईश्वर हैं। इसका एक बड़ा दार्शनिक संकेत आपको मिलेगा। रावण को मंदोदरी उपदेश देती है, उसे भगवान राम का विराट रूप बताते हुए कहती हैं, पद पाताल शीस अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्राम। यह सारा ब्रह्मांड श्री राम का शरीर है और उन राम का भजन करना चाहिए। रावण ने मंदोदरी का भाषण सुना। रावण ने कहा, मंदोदरी तुम इतने दिनों तक मेरे निकट रही, पर तुम्हारी योग्यता से तो मैं आज ही परिचित हुआ, इसके पहले मैं तुम्हारी महानता और ज्ञान से परिचित नहीं था। मंदोदरी ने सोचा कि अब शायद मेरी बात मानकर ये भक्त हो जाएंगे, पर रावण ने जो व्याख्या प्रस्तुत की वह तो उसके दर्शन के ही अनुकूल थी। रावण ने कहा, तब बत कही गूढ़ मृगलोचनी समुजत सुखत सुनत भव मोचनी। हे मृगलोचनी, तुम्हारी कही बात गूढ़ है, गंभीर है। आगे कहा, जानहु प्रिया तोरी चतुराई यही विधि कहो मोरी प्रभुताई। तुमने चतुराई से कैसा बढ़िया मेरा वर्णन किया है। यह वर्णन तो उस राम का नहीं है, वह राम तो छोटा सा है। जब तुमने कहा कि सारा ब्रह्मांड ही राम का शरीर है,
तब मैं समझ गया कि यह मेरा ही वर्णन है, क्योंकि सारे ब्रह्मांड को मैंने अपने अधीन कर रखा है। सारा ब्रह्मांड मेरी इच्छा के अनुकूल चलता है। मैं समझ गया कि तुमने बार बार राम का नाम क्यों लिया। पतिव्रताएं अपने पति का नाम नहीं लेती, तब भला तुम मेरा नाम कैसे लेती? इसीलिए तुमने जानबूझकर मेरा नाम राम रख दिया। कोई बात नहीं, मेरे अनेक नामों में एक नाम राम ही सही। रावण का दर्शन क्या है? वह कि राम की पत्नी सीता नहीं, पर सीता जिसके पास है वह राम है। शक्ति जिसके पास है वह शक्तिमान होता है। रावण यह नहीं मानता कि शक्ति का स्वामी कोई अलग शक्तिमान होता है। भौतिकवादी यही मानता है कि शक्ति जिसके पास है वह शक्ति का स्वामी है। जब लंका जलने लगी तो माल्यवान ने कहा कि देखो, ईश्वर की प्रतिकूलता को देख लो। तो रावण कहता है, कौन होता है ईश्वर? कोई ईश्वर नहीं है। मैंने प्रकृति की सारी शक्तियों को, सारी वस्तुओं को अपने वशीभूत कर लिया है। अतएव रावण का दर्शन शक्ति को तो स्वीकार करता है, पर शक्तिमान को नहीं करता है। इसके विपरीत अध्यात्म विज्ञान कहता है कि शक्ति का पति एकमात्र ईश्वर ही है। पति छोड़कर शक्ति से कोई भी नाता जोड़ लो। जनकपुर के अयोध्यावादियों ने कितनी बढ़िया नाता जोड़ा। जनकपुर में सीता जी पुत्री हैं और अयोध्या में पुत्रवधु। वे किसी की माता हैं तो किसी की भाभी। उनके स्वामी तो एकमात्र श्री राम हैं। उसका अभिप्राय यह भी है कि शक्ति का स्वामी बनकर ईश्वर व्यक्ति ईश्वर को चुनौती देता है, जबकि शक्ति का पुत्र बनकर वह रूप में माँ के प्रताप को पाने का अधिकारी हो जाता है। इसीलिए हम शक्ति को माता कहकर पुकारते हैं। यह शक्ति आपको तीन क्षेत्रों में दिखाई देगी। जनकपुर में इनका प्राकट्य होता है, अयोध्या में ये निवास करती हैं और लंका में अपहृत कर ली जाती हैं। इस प्रकार इनके तीन रूप दिखाई देते हैं। ये तीन रूप हैं उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करिष्ती ताम नतो हम राम वल्लभाम। इनका उद्भव रूप जनकपुर में दिखाई देता है, पालक रूप अयोध्या में तथा संहारक रूप लंका में। रावण ने सोचा था कि शक्ति के द्वारा लंका की समृद्धि में वृद्धि होगी, पर जिस दिन से सीता जी लंका में आई, लंका का विनाश होने लगा। जहाँ पर भी शक्ति का स्वामी बनने की चेष्टा की जाएगी, वहाँ पर परिणाम ऐसा ही होगा। इन तीनों नगरों के द्वारा तीन दर्शन सामने आते हैं, जिनमें सर्वोत्कृष्ट दर्शन जनक का है, जो विदेह का दर्शन है। लेकिन भगवान राम की कला की लीला का केंद्र विदेह नगर नहीं है, न वह देह नगर ही है, वह तो मध्य में अयोध्या नगर है। इस अयोध्या नगर में राम राज्य की स्थापना होती है। इसकी दृष्टि से देखिए, भगवान राम जनकपुर आते हैं, वहाँ शक्ति और ब्रह्म का मिलन होता है तथा धनुर्भंग के द्वारा विदेह दर्शन की संपूर्ति होती है। उसी संदर्भ में गोस्वामी जी अपने काव्य के श्रृंगार रस को भी पूर्ण कर देते हैं। गोस्वामी जी के सामने यह भी तो प्रश्न था कि ईश्वर जब व्यक्ति के रूप में अवतार लेगा तो श्रृंगार और काम को जीवन में स्वीकार करेगा या नहीं। यदि श्रृंगार और काम को स्वीकार नहीं करेगा तो फिर वह तो पूर्णचित उपस्थिति नहीं कर पाएगा। तुलसीदास जी ने तुरंत निर्णय लिया कि अगर श्रृंगार और काम का वर्णन करना ही है तो वह विदेह नगर में ही करना ठीक होगा, देह नगर में नहीं। राम का श्रृंगार, राम का रूप, राम का विवाह और राम का नाम सब विदेह नगर में ही है। इस प्रकार सौंदर्य और श्रृंगार के अभिव्यक्ति की पूर्णता विदेह नगर में होती है। इसका अभिप्राय यह है कि विदेह नगर में बिना प्रवेश किए यदि श्रृंगार और काम को स्वीकार कर सकते हैं तो करिए। यहाँ तो लोग देह को ही श्रृंगार तथा सब कुछ का केंद्र मानते हैं। जनक की मान्यता थी कि संसार का रूप मिथ्या है, पर केवल मनुष्य निषेध में जीवित नहीं रह सकता। केवल मनुष्य निषेध में जीवित नहीं रह सकता। आप किसी मिथ्या का वर्णन कीजिए तो व्यक्ति को संतोष नहीं होगा। मिथ्या के द्वारा बुद्धि को खाद्य भले ही मिले, पर व्यवहार कैसे चलेगा? कोई डॉक्टर आपके सामने आकर भाषण देने लगे कि यह खाना ठीक नहीं है, वह भी ठीक नहीं है, इसमें यह दोष और उसमें वह, तो बुद्धि चाहे उसे स्वीकार कर ले, पर अंत में व्यक्ति कहेगा कि कुछ खाएंगे भी
या केवल आपका भाषण सुनकर पेट भरेंगे। इसका अभिप्राय यह है कि यदि आप मिथ्या का वर्णन करते हैं और सत्य का वर्णन नहीं करते, तो मिथ्या से भले ही व्यक्ति को क्षणिक बौद्धिक संतोष मिले, पर जीवन कैसे चलेगा। तो जनक का ज्ञान अधूरा था, उसमें सृष्टि के मिथ्यात्व का निश्चय तो था, पर ईश्वर के सत्यत्व में सौंदर्य का भी सत्यत्व हो, इसकी अनुभूति नहीं थी। भगवान राम राजा जनक को सौंदर्य का पुजारी बनाते हैं, विरागी के साथ रागी बनाते हैं और उनको निर्गुण से सगुण में समन्वय के साथ ले चलते हैं। जनक निर्गुण निराकार निष्ठ थे, परंतु सगुण साकार ब्रह्म को देखकर वे कहने लगे, प्रमुदित हृदय कहत अस भव भल भव सागर। पहले तो वे भवसागर की निंदा ही किया करते थे, पर गोस्वामी जी कहते हैं जनक ने अब यह कहा कि भवसागर धन्य है जिसमें राम जैसा रत्न प्रकट हुआ करता है, हम उसे मिथ्या कैसे कहें। मानो संसार की भी सार्थकता हो गई, जहाँ ईश्वर सगुण साकार बनकर अवतरित होता है, पर अपनी लीला के द्वारा श्रृंगार और काम को सार्थक करते हुए भी विमुक्त रहता है। इसे सूत्र के रूप में यूँ कह सकते हैं, जब ईश्वर अवतार लेता है तो उसमें क्रोध दिखाई देता है या नहीं, उसमें काम दिखाई देता है या नहीं, उसमें लोभ दिखाई देता है या नहीं, ये तीनों ही दिखाई देते हैं। रावण यही तो निष्कर्ष निकालता है। रावण के सामने जब भी कोई श्री राम की महिमा का वर्णन करता था तो वह कहता था, तुम्हें पता नहीं है वह राज्य छोड़कर नहीं आया है, अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास। पिता ने जब समझा कि लड़का किसी काम का नहीं तो घर से निकाल दिया, यह निकाला गया लड़का है, यह त्याग करके नहीं आया है। रावण का तर्क क्या है, वह कहता है कि जो सोने के मृग के पीछे भागे वह क्या राज्य छोड़ सकता है। रावण को लगता है कि राम तो बड़ा लोभी है। ईश्वर में गोस्वामी जी काम का भी वर्णन कर देते हैं। पुष्प वाटिका के प्रसंग में कहते हैं, श्री राम के कानों में श्री सीता जी के आभूषणों की ध्वनि गई, कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम उर्दय गुनी, मानहु मदन दुन्द भी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। तो कहने लगे, लक्ष्मण तुमने सुना, यह कैसी ध्वनि सुनाई दे रही है। भगवान राम ने अभी सौंदर्य नहीं देखा, कानों में आभूषणों की ध्वनि सुनकर लक्ष्मण से कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कामदेव सारे वृक्ष को विश्व को जीतने का संकल्प लेकर बाजे बजाता हुआ आ रहा हो। इस तरह काम को भी स्वीकृति दे दी गई, क्रोध की भी स्वीकृति का वर्णन आता है, कोप्यु समर श्री राम। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि ईश्वर भी काम क्रोध और लोभ को स्वीकार करता है तो ये गुण हैं या दोष। गोस्वामी जी इसका बड़ा सार्थक उत्तर देते हैं, वे कहते हैं, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम वात है, क्रोध पित्त और कफ लोभ है। वैद्य के पास जब आप दवा लेने जाते हैं तो वह फिर क्या करता है, क्या वह आपके शरीर से कफ वात और पित्त को पूरी तरह निकाल देता है। अगर कोई वैद्य ऐसी दवा दे जिससे कफ वात और पित्त पूरी तरह मिट जाएं, तो उससे रोग ही नहीं बल्कि रोगी भी मिट जाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि वैद्य कफ वात और पित्त को मिटाता नहीं बल्कि उनकी विषमता को दूर करता है। अतएव यदि काम क्रोध और लोभ क्रमशः वात पित्त और कफ हैं तो उनको पूरी तरह नष्ट कर देने से समाज का काम कैसे चलेगा, उन्हें तो समत्व में लाना होगा और यह एक कला है। भगवान राम ने इस कला का प्रदर्शन जनकपुर में किया। काम क्रोध और लोभ तीनों की ही स्वीकृति जनकपुर में है। काम की उत्कृष्टता पुष्प वाटिका में है, क्रोध की उत्कृष्टता धनुष यज्ञ में और लोभ की उत्कृष्टता दहेज के प्रसंग में जनकपुर के मंडप में। हमारी कठिनाई यह है कि हमारे जीवन में काम क्रोध और लोभ गलत दिशा में मुड़े हुए हैं। हम लोगों ने तीन पहरेदार बना लिए हैं, एक काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ। भूतवादी क्रोध वर्तमान का काम और भविष्य का लोभ। क्रोध क्यों आ रहा है यह सोचकर कि ऐसा क्यों हो गया, तो क्रोध भूतकाल को लेकर चलता है। सौंदर्य और श्रृंगार अभी चाहिए, उसके बिना इस समय मन में प्रसन्नता हो ही नहीं रही है, तो काम वर्तमान को लेकर चलता है। और लोभ पर लोभ क्यों किए जा रहे हैं, करोड़ों और अरबों की संपत्ति क्यों एकत्रित किए जा रहे हैं यह सोचकर कि आगे क्या होगा, तो लोभ भविष्य को लेकर चलता है। अतएव काम क्रोध और लोभ को हम जब स्वीकार करते हैं तो परिणाम क्या होता है, भूतकाल की बातों पर क्रोध करने से वर्तमान नष्ट होता है। वर्तमान में काम को स्वीकार करने से भविष्य का विनाश होता है
और भविष्य के लोभ की चिंता से वर्तमान उपेक्षित हो जाता है। इस तरह काम, क्रोध और लोभ तीनों घातक हो जाते हैं। रामायण में इन तीनों की दिशा बदल दी गई है। वस्तुतः काम को बनाना चाहिए भूतोन्मुख, क्रोध को भविष्योन्मुख और लोभ को वर्तमानोन्मुख। जरा इसे स्पष्ट समझ लें। काम का संबंध सौंदर्य से है। सौंदर्य को देखकर यदि व्यक्ति उसके तत्काल उपभोग की कल्पना करे तो उसके अंतःकरण में कलुष को छोड़कर और आ ही क्या सकता है। किंतु सुंदरता सदैव वासना की ही सृष्टि करता है क्या? सुंदरता को देखकर व्यक्ति में केवल वासना का उठना ही क्या उसका उपयोग है? यदि सौंदर्य के साथ व्यक्ति भूतकाल में चला जाए तब तो निश्चित रूप से सौंदर्य मनुष्य के मन से वासना के स्थान पर भक्ति की सृष्टि करेगा। सुंदरता देखकर यदि व्यक्ति को ध्यान आ जाए कि इस सौंदर्य का मूल उद्गम कहाँ है, तब तो ईश्वर की ही याद आ जाएगी। संसार में जो सौंदर्य है वह आया कहाँ से? इसका संकेत श्रीमद् भागवत में किया गया है। गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ रास मंडल में रास करते करते अहंकार से भर जाती हैं कि हमारे सौंदर्य के कारण ही तो कृष्ण नाच रहे हैं। अचानक श्री कृष्ण लुप्त हो जाते हैं। अहंकार आया कि भगवान का दिखाई देना बंद हो गया। बाद में गोपियाँ श्री कृष्ण को ढूंढने निकलती हैं। वर्णन आता है एक बड़ी सुंदर लता दिखाई देती है जिसमें एक सुंदर सा फूल खिला हुआ है। फूल में बड़ी मनभावनी सुगंध है। एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा कि इस लता से ज़रा पूछना चाहिए कि श्री कृष्ण किधर गए। इस पर दूसरी ने कहा कि इसे क्या पता। पहली ने कहा कि यहाँ तक श्री कृष्ण आए यह तो निश्चित है, यहाँ से किधर गए यही संदेह है, और इसे लता से पूछकर निर्णय कर लेना चाहिए। इस पर दूसरी गोपी ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि कृष्ण यहाँ तक आए। इस पर सखी कहती है, अगर हमारे प्रियतम श्री कृष्ण ने न छुआ होता तो इस फूल में सुगंध कहाँ से आती। जाते हुए उनका हाथ इस लता पर पड़ गया होगा और इसमें सुगंध आ गई होगी। यह है सौंदर्य को देखने की सच्ची दृष्टि। फूल का सौंदर्य देखा और ईश्वर तक बात पहुँच गई। वाटिका में फूलों को न जाने कितने लोग देखते हैं, पर ईश्वर की याद कहाँ आती है। गोपियाँ आगे चली, देखती हैं एक मृग है जिसके नेत्र बड़े सुंदर और विशाल हैं। एक गोपी ने कहा, इससे भी पूछना चाहिए, जरूर इसने भगवान को देखा है। अब मृग की आंखें देखकर भगवान की याद आ रही है, फूल का सौंदर्य और सौरभ देखकर भगवान की स्मृति आ रही है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस काम का मूल सौंदर्य है उस सौंदर्य के मूल में भी तो ईश्वर ही है, पर हम सौंदर्य के भोक्ता बनना चाहते हैं। यही वासना की वृत्ति है। जहाँ सौंदर्य के मूल में ईश्वर की स्थिति का स्मरण है वहाँ व्यक्ति के अंतःकरण में स्वभावतः निष्कामता और पवित्र भावना का संचार होता है। श्री सीता जी भगवान राम की प्रिया हैं, पर भगवान राम जब सीता जी के सौंदर्य को देखते हैं तो पहली बात आप क्या पाएंगे? सौंदर्य को देखकर कलुष और गोपन की जो प्रवृत्ति उठती है वह नहीं है। कोई व्यक्ति सौंदर्य को देखने के बाद क्या अपने छोटे भाई से अपनी मनस्थिति का वर्णन करता है? भगवान राम के श्रोता हैं श्री लक्ष्मण, अनोखे हैं भगवान राम। इनके श्रृंगार रस के दो ही श्रोता हैं, हनुमान जी और लक्ष्मण जी। श्री राम को छोड़ ऐसा दूसरा कोई नहीं मिलेगा जो श्रृंगार रस का श्रोता या तो ब्रह्मचारी को चुने या फिर अपने छोटे भाई को। भगवान राम के वियोग में, जीवन में जब वियोग आया तो हनुमान जी से कहने लगे कि मेरा संदेशा सीता जी को सुना देना, कही बल विरह वेग तुम आये हो। अब हनुमान क्या जाने कि विरह क्या होता है। नल दमयंती के उपाख्यान में आता है कि बेचारा नल जब दमयंती से बिछुड़ गया तो रोते हुए कहने लगा, किम करोमि कब गच्छामि राम नास्ति मही तले। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, राम इस संसार में होते तो उनको मैं अपनी व्यथा सुनाता, क्योंकि पत्नी वियोग का दुख तो वे ही जानते हैं। तो नल बेचारा भगवान राम की खोज में था और भगवान राम को अपना दुख सुनाने को मिला एक ब्रह्मचारी। हनुमान जी को छोड़कर जितने बंदर थे सभी गृहस्थ थे, पर हनुमान जी भगवान राम के श्रोता बनते हैं। श्री राम वियोग श्रृंगार का वर्णन बाल ब्रह्मचारी से करते हैं और संयोग श्रृंगार का लक्ष्मण से। कहते हैं, तात जनक तनया यह सोई, और भावना कितनी सुंदर है। सौंदर्य है पर पाने की वृत्ति नहीं। कहते हैं, धनुष यज्ञ जही कारण होई, यह वही जनक की सुंदरी पुत्री है जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है।
इस प्रकार भगवान राम ने अपनी यज्ञ भावना को ही रखा। क्या आप समझते हैं कि भगवान राम बिना निमंत्रण के स्वयंवर में कभी आ सकते थे? चतुर विश्वामित्र ने कहा कि स्वयंवर नहीं, धनुष यज्ञ हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि बिना निमंत्रण के विवाह में तो नहीं जाना चाहिए, पर यज्ञ में निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए भगवान यज्ञ भावना लेकर आए थे, और यही कारण है कि वे धनुष तोड़ने के लिए नहीं उठे। उन्होंने सोचा, मैं तो यह समझ कर आया था कि यज्ञ है और यहाँ तो जुआ हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति सीता जी को होड़ की वस्तु समझ रहा है। तो श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई, जासु विलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनुष छोभा। साथ ही और भी कहते हैं, पूजन गौरी सखई लय आई। इन सती जी सीता जी को ये सखियां पार्वती जी का पूजन करने के लिए लाई हैं। अगला शब्द और महत्व का है। गोस्वामी जी कहते हैं, करत प्रकाश फिरई पुलवाई। सीता जी को देखकर भगवान राम दीप शिखा से उनकी तुलना करते हैं। छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। मैं आपको स्मरण दिलाऊं कि अरण्य कांड के अंत में गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा है। कई लोग गोस्वामी जी को नारी जाति का विरोधी मानते हैं। वे कहते हैं, गोस्वामी जी ने कई ऐसे प्रसंग लिखे जिनसे उनका नारी विरोध प्रकट होता है। उन प्रसंगों में यह अधोलिखित यह दोहा भी है। दीप सिखा सम जुबती तन, मन जनी होसी पतंग, बजही राम तजी काम मद, करही सदा सतसंग। स्त्री का सौंदर्य दीप शिखा की तरह है, हे मन तू पतंग मत बन। मानो गोस्वामी जी स्त्री जाति को दाहक मानते हैं, किंतु यह बात सही नहीं। दीप शिखा निंदा की वस्तु नहीं है। यदि दीप शिखा निंदा की वस्तु होती तो भगवान राम सीता जी को दीप शिखा नहीं कहते। दीपक में प्रकाश और दाहकता दोनों हैं। जो प्रकाश ले ले वह धन्य है, जो प्रकाश न लेकर अपने को जलावे वह मूर्ख है। गोस्वामी जी कहते हैं, सौंदर्य भले ही दीप शिखा हो, पर तुम अपने मन को पतंगा मत बनाओ। अगर उससे प्रकाश ले सको तो ले लो। भगवान राम सीता जी के सौंदर्य को देखकर कहते हैं, करत प्रकाश सुफिरई फुलवाई। सीता जी अपने सौंदर्य के द्वारा चारों ओर प्रकाश बिखेरती हुई वाटिका में घूम रही हैं। इसका अभिप्राय यह है कि सौंदर्य तो वस्तुतः ईश्वर का प्रकाश ही है। यदि उसे देख मनुष्य में भुक्तापन की स्मृति उठे तो वह पतिंगे की तरह स्वयं अपना विनाश कर लेगा। पर यदि सौंदर्य को देख उसमें ईश्वर के प्रकाश के दर्शन हो तो काम उसे नीचे की ओर जाने की बजाय ऊर्ध्व दिशा में ले जाएगा, ईश्वर की स्मृति कराने वाला बनेगा। यही काम को वर्तमान के स्थान पर भूत से जोड़ना है, मूल से जोड़ना है, क्योंकि मूल में ईश्वर है। इस प्रकार दो क्रोधी जनकपुर में मिलते हैं। एक है लक्ष्मण और दूसरे हैं परशुराम जी। दोनों ही प्रसिद्ध क्रोधी हैं। दोनों का सम्मान होता है। जब परशुराम जी ने भगवान राम से कहा, राम तुम कितने सज्जन हो, पर तुम्हारा छोटा भाई तो खोटा है, तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर व्यंग पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा अनुचर मुनराया। महाराज, हम तो आपके ही अनुयायी हैं। इसका अर्थ यह है, यदि क्रोध बुरा है तो आप छोड़ दें तो हम भी छोड़ दें, और अगर आपके लिए वह अच्छा है तो हमारे लिए बुरा क्यों है। दूसरा तात्पर्य यह है कि यदि आप कोई वस्तु सिर पर लेकर जा रहे हैं और इतने में नौकर आ गया तो आप बोझ उसके सिर पर रख देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज मैं तो आपका सेवक हूँ, बहुत दिनों तक आपने क्रोध का बोझ सिर पर ढोया, थक गए होंगे, अब मुझे भार दे दीजिए, मैं क्रोध कर लिया करूँगा, आप आराम कीजिए, आपको क्रोध करने की आवश्यकता क्या है। तो दोनों के क्रोध का अंतर क्या है? एक का क्रोध भविष्योन्मुख है और एक का भूतोन्मुख, जो बीत गया उसके लिए क्रोध करना, यह अविवेक की पराकाष्ठा है। परशुराम जी का क्रोध इसी प्रकार है। लक्ष्मण जी ने यही तो आलोचना की, महाराज जब धनुष आपको इतना प्रिय था तो जिस समय जनक जी ने प्रतिज्ञा की थी उसी समय आप उन्हें डांट देते कि धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा मत करो, या उसी समय आप फरसा लेकर खड़े हो जाते कि एक भी व्यक्ति अगर धनुष तोड़ने के लिए उठा तो मैं उसका सिर काट लूँगा। तब तो आप आए नहीं, अब जब धनुष टूट गया तब आप आकर क्रोध करने लगे। टूट चाप नहीं जुड़ रही दिशा में, अब आपके क्रोध करने से धनुष तो जुड़ने वाला नहीं,
बैठ ही हो ही पाए पिराने, धनुष तो टूट ही गया, अब अपना पैर और मत तोड़िए, पैरों को सुरक्षित रहने दीजिए। जो बात हो गई उस पर क्रोध करने से कोई लाभ नहीं, अधिकांश लोगों का क्रोध इसी प्रकार का होता है। हमारे एक परिचित सज्जन थे, अगर उनके रसोइये ने भोजन नहीं ठीक बनाया तब तो डांटते ही थे कि तुमने भोजन का सत्यानाश कर दिया, और कहीं उसने दूसरे दिन बढ़िया भोजन बना दिया तो उन्हें दुगना क्रोध आता, और वे डांटते हुए कहते कि कल तूने भोजन इसी प्रकार अच्छा क्यों नहीं बनाया। इसका तात्पर्य यह है कि उनका भूत भी गया और वर्तमान भी नष्ट हो गया। भूतकाल में जब बिगड़ गया तो भी दुखी रहे, और वर्तमान में जब बन गया है तो भी दुखी रहे, यही भूतोन्मुख क्रोध है। इसके विपरीत लक्ष्मण जी का क्रोध भविष्योन्मुख है। यदि कोई भविष्य में कल्याण करने के लिए क्रोध करे कि ऐसी भूल ना हो, अथवा यदि क्रोध के द्वारा मनुष्य को सत्कार्य की प्रेरणा मिले तो क्रोध सार्थक है। लक्ष्मण जी ने क्रोध कब किया? जब जनक जी ने कहा, अब जनी को माखई भटवानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तब लक्ष्मण जी ने क्रोध करके ऐसी गर्जना की कि लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सारी पृथ्वी कांप उठी। लक्ष्मण जी ने प्रभु की ओर देखा और कहा, महाराज अब तो सब कांप उठे, सब डिग गए, केवल दो ही अडिग हैं, एक तो आप और दूसरा धनुष। अब कृपा कीजिए, अब आप डिगिए तो वह धनुष डिगे, नहीं तो जड़ का राज्य बना रहेगा, अंधकार का अस्तित्व बना रहेगा। लक्ष्मण जी के क्रोध की सार्थकता यह है कि उनके क्रोध के द्वारा शौर्य की प्रेरणा प्राप्त होती है। बाद में लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा कि प्रभो आपने धनुष तोड़ने में इतना विलंब क्यों किया, सूर्योदय में इतनी देर क्यों लगी? तो प्रभु ने हंसकर कहा, लक्ष्मण तुम्हारे कारण। उन्होंने पूछा, कैसे? तो श्री राम ने कहा, नियम यह है कि सूर्य निकलने से पहले पूर्व दिशा में लाली छाती है। मैं तो तुम्हारे क्रोध की लाली की प्रतीक्षा कर रहा था कि पहले लाली का उदय हो तो सूर्य निकले। तुम शांत बने बैठे थे तो लाली के बिना यह सूर्य कैसे आता? तो लक्ष्मण का क्रोध शौर्य के लिए, भविष्य के लिए प्रेरित करता है जो कल्याणकारी है। इसी प्रकार लोभ की भी विवेचना है। भविष्य के लिए आप संग्रह किए जा रहे हैं, वर्तमान में लाखों व्यक्ति अभाव से ग्रस्त हैं, लाखों व्यक्ति भूखे हैं, आवश्यकता उनको है, और आप केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने संबंधियों के लिए धन का संग्रह किए जा रहे हैं, यह कौन सी प्रवृत्ति हो सकती है? अगर लोभ की आवश्यकता, धन की आवश्यकता जीवन में है तो तत्काल वितरण के लिए। समाज में जिसको अब धन की आवश्यकता हो तब उसके अभाव को दूर कर हम वर्तमान में उस धन का उपयोग करें। महाराज दशरथ के प्रसंग में आता है, जब जनक दहेज देने लगे तो गोस्वामी जी ने गिनाना शुरू किया, कंबल वसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल नथोरे, गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी, वस्तु अनेक करई की मिलेखा, कहीं न जाय जा नहीं जिन देखा, लोकपाल अवलोक सिहाने। राजा जनक ने इतना दहेज दिया कि लोकपालों के मन में भी ईर्ष्या हो जाए। महाराज दशरथ को दहेज लेने में अच्छा लगा या बुरा? तुलसीदास जी ने तुरंत कहा, लीन अवधपति सब सुख माने। उन्होंने बड़े आनंद से लिया, निष्कामता का झूठा स्वांग नहीं किया। तब तो महाराज दशरथ बड़े लोभी जान पड़ते हैं कि इतना सब ले लिया। गोस्वामी जी तुरंत कहते हैं कि लिया तो लीन अवधपति सब सुख माने, पर अगले क्षण दीन जाच कहीं जो जे ही भावा। दशरथ ने जो ही पाया त्यों ही वितरण करना प्रारंभ कर दिया, उन्होंने सब बांट दिया। उबरा सो जनवास ही आवा, सबको देने के बाद जो बच गया उसी को दशरथ ने अपना प्राप्य माना। इस प्रकार भगवान राम ने वर्तमानोन्मुख लोभ, भूतोन्मुख काम और भविष्योन्मुख क्रोध की सार्थकता को सिद्ध करके मानव विदेह नगर में एक नया दर्शन प्रस्तुत किया। विदेह नगर के इस नए दर्शन को सार्थकता प्रदान करने के बाद उन्होंने बीच के नगर अयोध्या में राम राज्य स्थापित करने की योजना बनाई, जो न तो विदेह नगर के समान ऊंचा है न देह नगर के समान बुरा। इसमें बाधा कैसे पड़ी और कैसे इस बाधा का निवारण करने के बाद 14 वर्षों के उपरांत राम राज्य बन पाया, उसमें इतना विलंब क्यों हुआ तथा देश काल और व्यक्ति में परिवर्तन क्यों करना पड़ा, यह सारी चर्चा हम बाद में करेंगे। नारायण नारायण।